इसको लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? देखिए बिहार के अंदर अभी भी कुर्मी से मजबूत है जादवे ना। अगर लाठी पिलावन तेल पिलावन वाले को छोड़ दिया, नीतीश कुमार सुरक्षित रह पाएंगे? अगर हजार आदमी घुस गया, क्या नीतीश कुमार शूट करवा देंगे? नहीं ना, उनको निकलने ही नहीं देगा, राजभवन जाने ही नहीं देगा, सुरक्षा बढ़ा दिया है। ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, हो सकता है। ये मनोज मंडल हमारा कुटुम था, उनको टुनवा यादव ने गोली मार दिया दिन दहाड़े बाजार में, इस्माइलपुर बाजार में। तो मुख्यमंत्री को भी डर है? डर क्यों नहीं रहेगा भाई, भले आदमी को डर रहता है, भले आदमी को डर रहता है। मुख्यमंत्री हमारे भले आदमी है, निर्भावित आदमी है, लाठी डांग चलाने वाले नहीं है, बुद्धिमानी से चलते हैं, त्यागी पुरुष हैं। महात्मा गांधी के बताए गए कदम पर चलना, कर्पूरी जैन कर्पूरी ठाकुर के बताए गए इशारे पर चलना, लोहिया के इशारे पर चलना, वो महान नहीं तो क्या है? इतना नाराज क्यों हो गए बड़े भाई छोटे भाई जो फोन नहीं उठा रहे हैं लगातार? अरे भैया काहेल उठाएंगे, बतवा उधर बन गया तो काहेल काहे भाई। वीरेंद्र ने गलत बयान दिया, रोहिणी क्यों इसको कुछ से कुछ बोली, तकलीफ नहीं होगा? बात करने लायक है नीतीश कुमार? अब फोन लगा रहे हैं तो फोन में पर गरिया देगा तो क्या होगा? एक तो बेइज्जती होगा, मन मनोबल गिरता है, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दिया। हो सकता है राजभवन उनको जाने नहीं दे। लाठी पिलावन लालू बाबू जो लालू यादव बेकवड़ों का मसीहा, और लाठी पिलाया हुआ लाठी के लेके भेज दे वहां पर हजार आदमी को, तो दे देगा, अन्य मार्ग तोड़ देगा, इसलिए सुरक्षा बढ़ा है। क्या नीतीश कुमार रहेंगे? ये विधायकों का बहुमत नहीं पुर रहा है लालू यादव को भाजपा मिलने से, तो कैसे ऐसे बोलने का आदत तो है ही है, अड़ियल तो आदमी है ही है, इसमें दो मत नहीं है। तो हम लोगों का बोलिए काफी है, बोलिए बोलवे नहीं करेंगे तो बतवा बनवे नहीं करेगा। कांग्रेस बैठक करने जा रही है पूर्णिया में, क्या लगता है बैठक में क्या होगा? अब क्या होगा बैठक में, क्या निर्णय लेता है वो लोग नहीं लेता, हम तो अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक कब तक आप लोग के साथ मिल जाएंगे? ये नहीं कर सकते, ये तो नीतीश कुमार जाने भाई, लेकिन मिलेंगे। हम मिलेंगे, कितने विधायक मिल सकते हैं आपको? हम तो कहेंगे सब अजीत शर्मा को छोड़ के सभी मिलने जा रहा है, अजीत शर्मा का खटिया खड़ा हो जाएगा। नहीं छोड़ेंगे, और बड़ी पार्टी के होने का दावा वो कर रहे हैं, और उनका कहना है कि वो सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश करेंगे राजभवन। लेकिन बात है उसमें, उसके विधायक का बहुमत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी जदयू मिल जाएगी उसमें कुछ बच नहीं जाएगा। भाई वीरेंद्र ने भी गलत बयान दे दिया, यह कह दिया ये लालू जी की कृपा पर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो भाई बड़ा भाई आशीर्वाद तो है, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से, चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है कांग्रेस के, ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू के, नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं है। कितने लोग कांग्रेस से आएंगे लगता है? अरे जब आएगा तो सब तो आ ही जाएगा ना।